हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर क्राफ्ट टीचर नीतू। आज मैं आप लोगों को बटरनट सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए जो भी मटेरियल है आप देख लो। सबसे पहले हमें चार्ट पेपर का एक पेपर लेंगे। आप चार्ट पेपर ले सकते हो या कोई करा कूट भी ले सकते हो। कूट के ऊपर एक वाइट पेपर चिपका लेना। उसके लिए हमें ब्रशेस चाहिए, सीजर, कुछ कलर, फेविकॉल, एक बाउल में थोड़ा सा पानी, गंदा कपड़ा और सबसे ज़रूरी है इसमें बटन। जो बटन आप लोग घर में यूज़ करते हो, कोई भी पुराना कपड़ा होगा, कोई भी पुराना शर्ट अपने पापा का या भैया का, आप उसका बटन निकाल लो, किसी भी साइज़ का बटन चलेगा उस पर। तो आओ सबसे पहले हम इस चार्ट पेपर को कलर करते हैं। आप चाहो तो इसे वाइट भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसे कलर कर लेती हूँ। कलर में सेट करते हुए अब मैंने इसे कलर कर लिया है। अब कलर करने के बाद अब इस पे हम पेंसिल से थोड़ा ग्रैप्स का शेप दे देते हैं। अब मैंने ग्रैप्स का इस पर थोड़ा सा शेप दे लिया है। पूरा ग्रैप्स इस पर नहीं बनाना है, थोड़ा सा बस शेप देना है। आपके पास कोई धागा हो, धागा का भी यूज़ कर सकते हो इसकी डंठल बनाने में, नहीं तो चलो बस इतना ही। अब हम इस पर बटन लेते हैं और ये फेविकॉल लेते हैं। बटन पे इस तरह से हम फेविकॉल लगाते हैं और ग्रैप्स की तरह से हम ग्रैप्स का शेप देते हुए कोई भी बटन, ये बटन हम लोग एक दूसरे पे ऊपर ऊपर भी चिपका सकते हैं। अब हम इस पे सारे बटन को सेट करके ग्रैप्स का शेप दे दिए हैं। यहाँ पे हमने ग्रैप्स दिया है, यहाँ हमने लीफ दिया है, कुछ इस तरह से। अब चलो इसे कलर करते हैं। ऐसे तो शेप उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जब इसे हम कलर कर देंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। ग्रैप्स के लिए हमने यहाँ पे लिया है पर्पल कलर। आप ग्रीन या पर्पल कोई भी ले सकते हो। अब मैंने इसे कलर कर लिया है। ग्रैप्स का कलर मैंने पर्पल दिया है, लीफ का कलर मैंने ग्रीन दिया है, इस तरह से। अब इसको और भी सुंदर बनाने के लिए हम इस पे इस तरह से ये लुक मैंने दिया है। लीफ का कलर कुछ पता चले, थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत है, वो मैं दे रही हूँ। मैंने थोड़ा सा लीफ का इस पर टेक्स्चर दे दिया है ब्रश से। अब ये हमारा बटन आर्ट बनकर तैयार है। अब आप इसे कहीं भी वॉल पे सजा सकते हो। थैंक यू।